जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के 40 महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र हैं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो फिजिक्स के 40 महत्वपूर्ण चिन्ह है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, पहला चिन्ह जो है वो है कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में हम एरिया कहते हैं। क्लियर बात, ध्यान रखना है, कैपिटल ए का मतलब क्षेत्रफल होगा। उसके बाद स्मॉल ए यानी छोटे ए का मतलब होता है त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना है, ये बड़े ए का मतलब क्षेत्रफल, छोटे ए का मतलब होता है त्वरण, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल एम यानी छोटा एम। ठीक है, छोटे एम का मतलब होता है द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में हम मास कहते हैं। ठीक है, स्मॉल टी, छोटे टी का मतलब होता है फिजिक्स के अंडर में वो होता है टाइम। स्मॉल वी यानी वेग, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल इजी है, इसको ध्यान रख लेना और कॉपी पेन निकाल करके नोट जरूर करना, इनको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। ये देखो, ये कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ यानी बल, जिसको हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक स्मॉल एफ भी होता है जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। देखो, कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू ठीक है यानी कार्य, जिसको हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं। क्लियर बात। उसके बाद यहां पर देखो कैपिटल आई, आई का मतलब होता है विद्युत धारा, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैपिटल आर का मतलब होता है प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो कैपिटल पी, एक स्मॉल पी भी होता है, ये कैपिटल पी है, कैपिटल पी का मतलब होता है दाब, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। समझ में आई बात। तो इन चिन्हों का मतलब आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अल्फा, ये क्या है बच्चों, ये है अल्फा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चिन्ह का नाम क्या होता है, अल्फा, हिंदी में भी अल्फा, इंग्लिश में भी अल्फा। सेकंड देखो, ये होता है बीटा, ये है बीटा, इंग्लिश में भी इसको बीटा कहेंगे। ये है अपने पास में गामा, इसको इंग्लिश में भी क्या कहेंगे बच्चों, गामा कहेंगे। ये होता है डेल्टा, क्या होता है बच्चों, डेल्टा, इसको इंग्लिश में भी डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब तापमान में परिवर्तन या फिर किसी भी चीज में परिवर्तन को दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी हम कहते हैं डेल्टा। अगर आप चाहते हैं कि इनको डिटेल में थोड़ा बताया जाए तो कॉमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी को बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, ये होता है ईटा, ये जो एन दिख रहा है ना एन की शेप में, ये क्या है, ये ईटा होता है, इंग्लिश में भी इसको ईटा कहते हैं। और ये है हमारे थीटा भाई साहब। ठीक है, ये है थीटा। नेक्स्ट है हमारे अपने पास में, ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये जो साइन है ये लेमड़ा का होता है, इसको हम लेमड़ा कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये है एप्साइलन, ये लेमड़ा होगा, ये है एप्साइलन। ठीक है, ये हल्का सा ई की शेप में होता है पर पूरी तरीके से ई नहीं होता, क्योंकि ई तो बच्चों ऐसे होता है ना, ठीक है, ये हल्का सा बीच से मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, कर्व रहता है हल्का सा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एप्साइलन इसे कहते हैं हम। ये होता है म्यू, यानी कि जो यू होता है, यू अगर दोनों दोनों तरफ अगर इसकी पूंछ हल्की हल्की खींच दी जाए तो ये क्या कहलाएगा, म्यू कहलाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये होता है म्यूनोट। ठीक है, इसके आगे अगर हम शून्य लगा देंगे छोटा सा तो ये क्या बन जाता है, म्यूनोट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी देखो वी की तरह लग रहा है जैसे हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, पर ये वी तो देखो एकदम शेप में है, जबकि ये क्या है कि हल्का सा इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। तो ये जो साइन होगा ये होता है बच्चों न्यू का। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो है ये टी की शेप में है पर नीचे से हल्का सा इसका टांग लग रहा है, खिंचा हुआ है इस प्रकार से, ये होता है टाऊ, इसको इंग्लिश में भी हम टाऊ कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखो, ये भी हल्का सा ही प्रकार का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये ई नहीं है, इसको हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये सिग्मा है, ये भी क्या होता है बच्चों, सिग्मा, इसको इंग्लिश में भी सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये देखो त्रिशूल की शेप में जो अपने को दिखाई देता है फिजिक्स के अंदर जो चिन्ह, उसको हम साई कहते हैं। ठीक है, और ये देखो ये जीरो है, लग रहा है इसको चाकू से बीच से काटा जा रहा है, तो ये होता है फाई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी, सबको नोट करते जाना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। ये देखो ये हमें एक्स की तरह दिख रहा है, ठीक है, पर एक्स नहीं है, इसको हम काई कहते हैं। ठीक है, ये साई, ये फाई, काई, और नेक्स्ट जो है इसके बारे में आप सभी को पता होगा, ये होता है पाई। ठीक है, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। उसके बाद देखो ये हल्का सा पी की शेप में है पर हल्का सा टेढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम रो कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, रो कहते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्मॉल एच, फिजिक्स में स्मॉल एच का मतलब होता है प्लांक नियतांक, जिसको इंग्लिश में प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हो इसके बारे में भी आप सभी को ध्यान होगा, इसको हम ओम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों,
ओम कहते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये हल्का सा डब्लू के शेप में है तो इसको हम कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम ओमेगा कहते हैं, इंग्लिश में भी ओमेगा कहेंगे। नेक्स्ट ये देखो, ये ए है और ए के ऊपर में एक हल्की सी छोटी सी बिंदी टाइप में या ओ बना हुआ है, इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इंग्लिश में भी एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल टी। कैपिटल टी को हम आवर्तकाल, जिसे इंग्लिश में टाइम पीरियड भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना वो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। स्मॉल टी का मतलब समय होता है, जबकि फिजिक्स के अंडर में कैपिटल टी का मतलब आवर्तकाल, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में स्मॉल एफ है। देखो यहाँ पर कैपिटल एफ का मतलब तो बच्चों बल होता है फिजिक्स के अंदर में, जबकि स्मॉल एफ का मतलब आवर्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आई बात? जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट देखो तो फिजिक्स के अंदर में स्मॉल जी, छोटी जी का मतलब होता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा गया है। अब ध्यान दो, उसके बाद में कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर के ई, देखो के ई होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों। ठीक है, और लास्ट जो है वो है क्यू, जो कि होता है आवेश, जिसको हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये सारे चिन्ह जो है आपको समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी चिन्हों को डिटेल में बात की जाए, डिटेल में आपको बताया समझाया जाए, तो कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के जितने भी कांस्टेंट हैं उन सभी कांस्टेंट के मान यानी कि वैल्यू भी आप चाहते हैं, तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं एक सेपरेट वीडियो कॉन्स्टेंटों से और उनकी वैल्यू से रिलेटेड बता दूंगा, जिसमें सारे कॉन्स्टेंट और उनकी वैल्यू जो है आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने चैनल्स के साथ में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।